दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जियो फ़ोन का चार्जिंग जैक आप किस तरह से बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी मॉडल हो। दोस्तों जियो फ़ोन के हर मॉडल का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपका पास जियो फ़ोन का कोई सा भी मॉडल है, आप इस ट्रिक से दोस्तों बहुत आसानी से यहाँ पर जियो फ़ोन का चार्जिंग जैक को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि जियो फ़ोन का चार्जिंग जैक किस तरह से चेंज किया जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसको चार्जिंग जैक को चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि फ़ोन को आपको खोल लेना है। तो इसमें आपको स्क्रू मिल जाता है, लगभग 6 स्क्रू। तो सबसे पहले आपको बैटरी को खोलना है, उसके बाद आपको जितने भी 6 स्क्रू है, 6 के 6 स्क्रू आपको यहाँ पर खोल लेना है, ठीक है। तो आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हैं अपने किसी भी शॉप से जाके। तो आप बोलिएगा मोबाइल खोलने वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 स्क्रू है, उसको खोल लेना है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रू खुल चुका है, उसके बाद आपको इस तरह से कुछ लेना है, कुछ भी नोकीला चीज़, पतला चीज़, जिससे कि आप यहाँ पर खोल सके। और हल्का सा आपको साइड में आपको थोड़ा सा घुसा के हल्का सा मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो जिससे कि यहाँ पर आपका जियो फ़ोन जो है धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर आने लगेगा। बहुत आसान प्रोसेस है दोस्तों, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, सिंपली आपको खोल लेना है, सारा स्क्रू खोलना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है। स्क्रू रहेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, नहीं खुलेगा, ठीक है। तो स्क्रू देख सकते हैं मेरा खुल गया, उसके बाद मैंने फ़ोन को भी खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सबको स्क्रू को साइड में रखना है, उसके बाद आपको सब चीज़ रख लेना है। उसके बाद फ़ोन का जो इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्जिंग पिन जो है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है अंदर से, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है मगर टूटा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर इसे चेंज करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से इसे मतलब इसको चेंज किया जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करोगे तो आपको यहाँ पर ये भी खुल जाएगा। उसके बाद एक मिनट, तो ये खुल चुका है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा अंदर वाला जो चार्जिंग जैक है वो टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है, उसके बाद आपको उसको चेंज करना है, देख सकते हैं टूटा हुआ है, तो उसी को आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो दोस्तों आपको अपने जो जियो फ़ोन है उसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो थोड़ा सा है जो चार्जिंग जैक वाला एरिया है वो थोड़ा सा बाहर आए, बाकी सारा वो ऊपर और रहे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा नीचे कुछ रख लीजिएगा गद्देदार, और ऊपर में आप कुछ से दबा सकते हैं, देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्लास यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ताकि वो हिले ना, एक जगह पर टिका हुआ रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्लोअर मारना है और हमें चुट्टा से चिमटा से जियो फ़ोन का जो चार्जिंग जैक है उसे हटाना है, ठीक है। तो देख लेना, बहुत हैवी चीज़ मत डालना ताकि मतलब आपका डिस्प्ले नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हैवी चीज़ डाल दोगे तो डिस्प्ले भी टूट सकता है, तो प्लास में यूज़ करो, आप कुछ भी प्लास का तरह ही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका ब्लोअर है उससे यहाँ पर करना होगा, तो थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ तक मेरा ब्लोअर का जो गन है वो नहीं पहुँच रहा है, तो एक मिनट। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो कि यहाँ पर है इसका जो बटन का जो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं स्टिकर चिपका हुआ है, इसे आपको उखाड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ब्लोअर मारोगे और ये रहेगा तो ये पूरा दोस्तों गल जाएगा आपका, बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर पूरा गल जाएगा और यहाँ पर आपका वर्क करने लायक नहीं बचेगा, जिससे कि आपको फिर कस्टमर उसके साथ फेस नहीं कर पाओगे, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर उखाड़ लेता हूँ, उसके बाद ही आपको यहाँ पर करना है। बहुत बार दोस्तों नए नए अगर आप काम सीखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादातर यही मिस्टेक होता है सबके साथ कि यहाँ पर भूल जाता है इसको उखाड़ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको हटा लेना। तो पहले मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद आपके आंखों में दिखाता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपको पकड़ के हटाना है, तो इसको नहीं हटाओगे तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के सामना आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हटा लेना और कहीं अच्छे से रख देना, उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। सेम आपको उसी तरह से कुछ दबाना है और हल्का सा इसको बाहर रखना है। उसके बाद आपको अपना ब्लोअर लेना है, और ब्लोअर का जो हीट है दोस्तों
वहाँ पर ब्लोअर का जो एयर है उसको 5 नंबर पे सेट करना है, और जो हीट है उसको आप 400 पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर और 400 पे सेट कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह से नीचे से आपको ब्लोअर मारना है, और चार्जिंग पिन का जो जैक है, चार्जिंग जैक, उसको इस तरह से चुमटे से पकड़ना है आप दोस्तों। थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा देर तक रखो और तुरंत नहीं उठता है, ठीक है। अगर आप हीट बढ़ा दोगे तो तुरंत उठ जाएगा, मगर आप चाहे तो हीट बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से भी रख सकते हो। तो मैंने इतना हीट रखा है, थोड़ा सा दोस्तों समय लगता है, थोड़ा देर आपको रखना है, उसके चिमटे से आपको पकड़ना है। थोड़ा देर में दोस्तों यहाँ पर गर्म होगा और आपका चार्जिंग जैक है जो वो उठ जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी दोस्तों यहाँ पर प्रेस नहीं करना, ऊपर की ओर डालना नहीं है, वो दोस्तों गलेगा, आपका शोल्डर गलेगा, शोल्डर वायर, तो ऑटोमेटिकली वो दोस्तों आपको छोड़ देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाना। बहुत कोई क्या करते हैं कि ताकत लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनका प्रिंट उखड़ जाता है, तो बिल्कुल भी वैसा काम आपको नहीं करना। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बहुत आसानी से चार्जिंग पिन जो है वो निकल चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरा प्रिंट नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला है। चार्जिंग जैक दोस्तों बहुत आसानी से निकल चुका है, देख सकते हैं ये चार्जिंग जैक है मेरा, जो कि मैंने अभी अभी इससे निकाला। तो अब हम क्या करते हैं कि अब नया चार्जिंग जैक हम निकालते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लगाना किस तरह से, ठीक है। बहुत कोई क्या करते हैं कि बहुत सारा मेहनत करते हैं, सोल्डर करके करते हैं, मगर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना। जितना आसानी से मैंने चार्जिंग जैक को निकाला है, उतना ही आसानी से आपको उसको लगाना ही, लगाने के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बने रहिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो दोस्तों ये है आपका चार्जिंग जैक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों आप कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाओगे तो 4-5 रुपये में आपको ये चार्जिंग जैक मिल जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सोल्डर चढ़ाने के लिए सबसे पहले इसमें सोल्डरिंग पेस्ट लगाना होगा, तभी इसमें सोल्डर चढ़ेगा, नहीं तो फिर सोल्डर सही से इसमें नहीं चढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पिन पे क्या करना होगा, थोड़ा सा पेस्ट आपको लगा लेना होगा पूरा में, तो इस तरह से कुछ लगा लेना होगा। पहले मैं अच्छे से लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको लगाना है। तो एक मिनट, तो इस तरह से आपको पूरा एकदम इसमें लगा लेना है पेस्ट। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा आपको शोल्डर मतलब शोल्डरिंग आयरन जो होता है उसको गर्म पहले कर लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर मतलब जो रागा होता है सोल्डरिंग वायर उसको थोड़ा सा लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपको पूरा में फेरना है, तो ये क्या होगा कि अगर पेस्ट लगा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका सोल्डरिंग वायर जो है मतलब वो लेने लगेगा, ठीक है, सोल्डर चढ़ने लगेगा। तो जितना भी वायर है रहता है इसमें मतलब सभी में आपको थोड़ा थोड़ा लगा लेना है सोल्डरिंग वायर, जिससे कि क्या होगा कि इसमें सोल्डर चढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको लगाओगे तो बिल्कुल भी एकदम स्मूथनेस के साथ एकदम प्रोफेशनल के तरह आपको यहाँ पर फील आएगा, ठीक है, मतलब एकदम प्रोफेशनल की तरह आपको चार्जिंग जैक जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। आपको कुछ भी सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको हल्का सा लगा लेना है, उसके बाद आपको सिंपली आपका जो मदरबोर्ड है जियो फोन का उसमें आपको यहाँ पर रख देना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको सिंपली जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको निकाला था ब्लोअर की मदद से, उसी तरह से आपको यहाँ पर ब्लोअर लाना है, और नीचे से आपको फिर से उसी तरह से आपको यहाँ पर ब्लोअर लगाना है, और उसको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सीधा कर लेना है, एकदम सही जगह में रख के आपको यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चार्जिंग जैक जो है बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लग चुका है, ठीक है। हल्का सा पिघलेगा, उसके बाद आपको लगाना है, उसके बाद ये बिल्कुल बैठ जाएगा। आपको सिर्फ उसको सीधा करके रखना है, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो ठंडा होगा और सारा जो है वो जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको उठाकर देखोगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आपका जो जियो फोन का चार्जिंग जैक है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल की तरह यहाँ पर मेरा जियो फोन का जो चार्जिंग जैक है वो लगा है, ठीक है। अगर आप सोल्डर करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो सभी में मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मगर यहाँ पर अगर आप हॉट एयर गन से लगाओगे ब्लोअर की मदद से तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह लगेगा, एकदम स्मूथनेस के साथ यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको मैं बैटरी लगाकर इसका दिखा देता हूँ कि किस ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे आपको पीछे का ढक्कन जो है वो लगाना है, और उसके बाद आपको सिर्फ बैटरी लगा के मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बैटरी लगा के उसके बाद आपको ऑन नहीं करना है, सिर्फ आपको चार्जिंग
मतलब केबल लगाना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बताने लगेगा। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल हमारा चार्जिंग पिन लग चुका है एक ही बार में, ठीक है। ब्लोअर की मदद से लगाने का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्शन के साथ यहाँ पर चार्जिंग पिन आपका लग जाता है, ठीक है। बाकी उसके बाद आप अपने फ़ोन को फिट कर लीजिए, यहाँ पर स्टिकर लगा लीजिए जो आपको उखाड़ा है बटन कीपैड वाला, और सारा चीज़ें जितने भी चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पर फिट करके लगा कर जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से आपको लगा लेना है, बस आपका यहाँ पर काम हो चुका है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।